ऐसे कैसे रुकेगा कोरोना का संक्रमण। सांगानेरी गेट स्थित संजय बाजार में लगा हटवाड़ा, हजारों की संख्या में लोग खरीदारी कर रहे हैं। कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ रही हैं और ना ही कोई रोकने वाला है ना ही कोई टोकने वाला है। जयपुर की ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं उस जगह की जहां संक्रमण तेजी से फैल सकता है, लेकिन लोगों को इसको लेकर कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है। लापरवाही के साथ बाजार में घूम रहे हैं, कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। और आप ये देखिए कि यहाँ जितने भी लोग नजर आ रहे हैं, ज्यादातर ऐसे लोग जो बिना मास्क के नजर आ रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग तो आप भूल ही जाइए। सत्यनारायण शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यनारायण, कहाँ की तस्वीर है सांगानेरी गेट के पास, और फिलहाल पुलिस प्रशासन की तरफ से भी यहाँ पर कोई नहीं है? बिल्कुल, जहाँ तक बता दूँ आपको, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद संवेदनशील है कोरोना को लेकर और लगातार वो लोगों से अपील करते हैं कि भीड़ भाड़ के स्थानों पर न जाएं, रोके और टोके, यानी कि मास्क नहीं लगाते तो रोको और उसको टोको। लेकिन इसके बावजूद भी जयपुर, राजधानी जयपुर के अंदर ये हालत देखने को मिल रहा है, विस्फोटक हो सकते हैं। रविवार का दिन है आज, संजय बाजार जो कि सांगानेरी गेट में स्थित है वहाँ पर हजारों की संख्या में जो खरीदार हैं वो मौजूद हैं, दुकानदार हैं वो मौजूद हैं, लेकिन दुकानदार भी अपने दुकान पर आने वाले खरीदारों को न तो रोक रहा है उनको कि मास्क लगाइए, न उसको टोक। ऐसे में ये संक्रमण जो साइकिल है हम किस प्रकार तोड़ पाएंगे ये समझ से परे है। ऐसे में पुलिस को चाहिए कि वो मौके पर पहुंचे और जो वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना को गाइडलाइन की तस्वीरें उड़ रही है उनको संभाले, जिससे कि कोरोना के संक्रमण को रोका जा सके। फिलहाल यहां पर कोई पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद नहीं है। हालत यही रहे तो बता दूंगा आपको, काफी विस्फोटक स्थिति हो सकती है। बिल्कुल, और जिस तरह से लगातार केसेस सामने आ रहे हैं तो थोड़ी सी घबराने की स्थिति, लेकिन उसके बावजूद आज ये रविवार की तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया सत्यनारायण पूरी जानकारी के लिए।